सरगुंज, तू उसे कुछ बोलो अबे ना बोलो, पर मैं जानता कि सच्चाई है कि तुसी मां नहीं बनने वाले, तुसी बड़े जिद्दी हो, जदों तक तुसी नहीं चाहोगे ना तुसी मैनू सच नहीं दसन वाले। पर जे इदा ही सी तो तुसी मैनू प्यार दा इजहार इन्नी छेती क्यों कर दिता? उहदे लई भी थोड़े दिन रुक जांदे, पहले तो तुसी मैनू प्यार दा इजहार कर दिता, उहदे बाद तुसी आप ही मेरे तो दूर हो गए। क्यों सरगुण जी, क्यों आखिर क्यों किया सब कुछ? इहदा मतलब हजे भी सरगुण सरगुण ही चल रहे? ओ कुड़ी ने डिवोर्स दे दिता पर हजे भी ओदा ही नाम जप रहे? एक बार व्याह होंदे तेरा मेरे नाल, कुछ दिनों के अंदर ही तेनू एहो जिहा सिद्धा करांगी कि तेरे सिरों सरगुण का भूत उतर ही जाऊगा। जिन्ना रोना है उस तो बाद था तू हरलीन का ही होना है। युवराज, तेरी मम्मी जी ने तेनू थल्ले बुलाया, उन्होंने तेरे नाल कोई जरूरी गल करनी है। मैनू किसी दे नाल कोई गल नहीं करनी, तू चली जाए तो। युवराज, आंटी जी ने कहा जे तू थले ना आवे ना तेरा हाथ फड़ के थले लेके आवा, पर लेके जरूर आवा क्योंकि उन्होंने तेरे नाल जरूरी गल करनी है। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। इस तो पहले मेरा गुस्सा वधे, हुने चली जाए तो निकल। युवराज तू समझता क्यों नहीं, सरगुण जी कुड़ी तेनू डिजर्व नहीं करती, तू ना बहुत चंगा इंसान है, तू इसे लिए उदा चलाकी वाला चेहरा देख ही नहीं पा रहे। चुप, मेरी सरगुण जी बारे बोलने तो पहले ना तू 100 बार सोच ली, मेरा वो पहला प्यार है ते मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता क्योंकि मैनू उन्हां ते अपने नालों वध भरोसा है। अच्छा जी वो तेनू इन्ना प्यार करती है या एक पल दे लई भी उन्हें तेनू अपना मन है?
हजिंदर आंटी नाल ना बदला लेना चाहती सी जेड़ा उन्हें तेरे जरिए ले लिया। तू अपनी गंदी सोच अपने कोल ही रख, समझ आई? अच्छा इदा तक की है सरगुण दे विच की? हरलीन रुक कित्थे गई है? हजे तक दोनों आए क्यों नहीं? मम्मी मैं जाके देख दिया। नहीं नहीं तू इत्थे रुक, आ जान के आपे ही। तेनू दस के की फायदा? क्योंकि तू तू सरगुण जी नू कदे समझ नहीं सकती, क्योंकि पता क्यों? तेरी फितरत ही इदा दी है। पर मैं चंगी तरह जानता सरगुण जी ने मेरा डिवोर्स जरूर कोई मजबूरी छा के दिता। किदा दा प्यार है सरगुण दा जिहड़ा वो किसी दे कहने ते वक्ख होगी तेरे तो। जे उहदी थां ते मैं हुंदी ना मैं मर जांदी युवराज, पर मैं तेरे तो वक्ख ना हुंदी। मैं तो तेनूं अज वी प्यार करदी आं, इस दे लई मैं इस घर च रह के ना तेरा इंतजार कर रही हूं। अच्छा जे तू मैनू इन्ना ही प्यार करती है जिन्ना तू कह रही है ते तू तू मेरा ते सरगुण जी दा प्यार समझ जांदी, तू साडे रिश्ते नू ना खुशी खुशी अपनांदी। असीं किन्ने चंगे दोस्त हुंदे सी युवराज, पर सरगुण ने ना सानू वक्त कर दिता। वेख्या मैं सरगुण जी की थोड़ी जी तारीफ की कीती, तेनू किदा आके लगी? तेरा असली चेहरा ना सामने आ गया, बस यही फर्क है तेरे च ते सरगुण जी दे विच। हुण मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, कल्ला छड़ दे मैनू। युवी हुण इसे वेले थले आ, मेरा ऑर्डर है। देर क्यों लग गई तेनू युवी? हाँ दरअसल मम्मी मैनू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही सी, हाँ करके मैं हरलीन नू वापस जान लग गया। पर इनू इनू ए गल समझ ही नहीं आई। हरलीन नू मैं भेजा सी युवी। ओही ता तू भेजे ही गलत बंदे नू, रूप नू जा चुमकी नू भेजिया हुंदा। मैं जानदी हां पठा साहब कि तुहानू सारिआं नू हरलीन तो दिक्कत है, पर इह समां ना समझदारी विखाउंदा है, नफरत नू प्यार दे विच बदलंदा है। मंदी हां मैं मंदी हां कि हरलीन कोलों कुछ गलतियां होईआं ने, पर गलतियां किहदे कोलों नहीं हुंदीआं? हां तां तुसीं वी ओदियां गलतियां नू पासे करके ओदे चंगियाईयां वेख सकदे हो क्यों? जे हरलीन दी जगह कोई होर कुड़ी हुंदी ना जिहदा विआह युवी दे नाल मंडप विच टुट गया, ओ इस घर नू ते घरदिआं नू नफरत करदी हुंदी। पर नहीं, हरलीन इस घर विच अपना बन के रही, सब दे नाल प्यार कीता, एहसास ही नहीं होण दित्ता कि उस दे नाल होया की है। इह तां इहदी वडियाई है, गलती साडी सी पर इस ने सानू माफ कीता, पर तुहानू किसे नू वी इसदी वड़ियाई दिखी नहीं। ऐसे करके ही मैं युवी ते हरलीन दे विआह दा ऐलान करना चाहती सी साडे सारिआं सामने।
ते यही दसण लई अज मैं तुहानूं सारिआं नूं इत्थे बुलाया सी। हुण किद्दां मेरे तों दूर जाएगा युवराज? उत्ते वड्डियां वड्डियां गल्लां कर रिहा सी ना कि मैं सरगुण नूं कदे नहीं समझ सकदी। हुण अपनी मां नूं समझा। मैं व्याह नहीं कर सकता। बल्कि मैं इस सब बारे सोच नहीं सकता। मम्मी मेरे तो होना ही नहीं है। मैं इत्थे तैनू तेरा जवाब सुनने लई नहीं बुलाया, बल्कि अपना फैसला सुनने लई बुलाया। युवी, यह व्याह तो तैनू करना ही पेगा। तेरे कोल होर कोई राह नहीं है सिवाय इस व्याह नूं कराउण दा। मम्मी केड़ा राह ते कीता दा राह? किस राह की गल कर रहे हो तुसीं? मेरा राह ते मेरी जिंदगी सब सरगुण जी। मैं उन्हां तों अलावा ना अपने नाल किसी होर बारे सोच भी नहीं सकता। युवी दे दिमाग च कुड़ी जिद बन के बैठी है। हुणे ओह युवी नहीं रहा जिहड़ा मेरी हर गल बड़ी आसानी नाल मन लैंदा सी। लगदा है इस वार इहनूं मनाउणा थोड़ा औखा होएगा। हरलीन, तैनूं ही कुछ करना पैणा। आंटी जी, मैं मनदी हाँ कि तुसीं मैनूं अपनी धी मानदे हो। एक माँ तां हमेशा चाहती है ना कि उहदी धी दा घर वस जावे, पर मैं नहीं चाहती कि तुसी युवराज नूं मेरे नाल व्याह करन लई मजबूर करो। प्लीज। पहली बारी हरलीन ने समझदारी नाल काम लिता है। हरिंदर, हरलीन ठीक कह रही है। जे युवराज उन्हों प्यारी नहीं करता तो ब्याह तो बाद उक्की में सुखी रहेगा। ये पुट्टा मरता भी नहीं ते चुप भी नहीं करता, हड्डी वांग कले च फसिया होया। जिदे नाल प्यार किता सी ओने केड़ा इस नूं ते सानूं सारिआं नूं सुख दे दिता। हां, प्यार श्यार ना सब बकवास हुंदा है। जदों व्याह हो जांदे ने ना तां प्यार वी आपे हो जांदा है, समझिआ? ते फिर हरलीन ते युवी तां इक दूजे नूं बचपन तों जाणदे ने, है किहड़ा उपरे ने इक दूजे तों? हां आंटी जी, तुसीं ना सही कह रहे हो, असीं दोनों बचपन तों दोस्त हां। तां ही तां तुसीं साडा पहला व्याह पक्का कीता सी, पर उस टाइम सरगुण ने युवराज नाल धोखे नाल व्याह करवा लिता, तां इन्ने मैनू मंडप च कल्ला छड्ड दिता। हरलीन, हरलीन, ऐ की कर रही है तू? मैं दूजी वारी उही गलती ना नहीं करना चाहती आंटी जी। मैं पहली बारी भी अपनी जान लेने की कोशिश की सी, पर तुसी मैनू बचा लिया सी। पर इस बारी मैं युवराज की मर्जी तो बिना यह व्याह नहीं करवाना चाहती। ते जे फिर तो मेरे नाल उही सब होया तो फिर क्या होएगा आंटी जी? तू ठीक क्या हरदी, तू उस दिन बहुत बेइज्जती का सामना किया। गलती तेरी नहीं सी, गलती तो मेरे पुत्र दी सी, पर उस गल की सजा तेनू अज तक भुगतनी पै रही। पर तू हुण फिक्र ना कर, क्योंकि हुण वेला आ गया उन्हां पुरानियां कीतियां हुई गलतियां नू सुधारन दा।
ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਯੂਵੀ। ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਲੀਨ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਸਰਗੁਣ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਅਜਿੰਦਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰਿਆ। ਸਰਗੁਣ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਫ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਸਰਗੁਣ ਜੀ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਯੂਵੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਗੁਣ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਵੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ।
स्विच ऑफ होनो। सरगुन जी के बगैर सच साबित हो नहीं सकता। जदों तक सरगुन नहीं जान के सच कदे सामने नहीं आएगा।